आज एक ऐसी शख्सियत जरूर होंगे जिन्होंने हिंदी फिल्मों या ऐसा कहें कि बॉलीवुड के शुरुआती दिनों में अपनी कला के द्वारा लोगों में अपनी पहचान बनाई, पर जिससे लोग भुला चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर जिनको भुला दिया गया है, पर आप आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है बॉलीवुड और फिल्मी एरा में। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल सन वुमेन स्टार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा काम पसंद आए आपको तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। इनका नाम SN त्रिपाठी या श्रीनाथ त्रिपाठी के रूप में भी जाना जाता है। शायद आपने इस म्यूजिक डायरेक्टर का नाम नहीं सुना होगा, मगर मेरा दावा है कि उनकी संगीत रचनाएं सुनकर आप कहेंगे कि अरे ये इनका काम है, आज पता चला। जी हाँ, SN त्रिपाठी का जन्म 14 दिसंबर 1912 को हुआ था। एक भारतीय संगीतकार थे जिनके सक्रिय वर्ष 1930 से 1980 के दशक तक थे। त्रिपाठी के बहुआयामी कार्य रेंज में संगीतकार, लेखक, अभिनेता और फिल्म के निर्देशक शामिल हैं। एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में उनकी पहली फिल्म चंदन 1942 में रिलीज हुई। वह ब्रिटिश राज के अंत के दौरान फिल्मों में एक गीत में जय हिंद के नारे का उपयोग करने वाले पहले संगीतकार थे। फिल्म मानसरोवर 1946 का गीत जय हिंद जय हिंद जय हिंद यह हिंद की कहानी था। उन्हें एक अभिनेता के रूप में लोकप्रियता मिली जब उन्होंने भूमि वाडिया की हनुमान पाटान विजय 1951 में जो रिलीज हुई थी जैसी पौराणिक और धार्मिक फिल्मों में हनुमान की भूमिका निभानी शुरू की। त्रिपाठी ने 1957 में रानी रूपमति से शुरुआत की, रूपा राय और भरत भूषण। रानी रूपमति जो 1959 और कवि कालिदास जो 1959 के साथ उनकी दो फिल्में सिनेमाई योग्यता और अविस्मरणीय संगीत होने का हवाला दिया जाता है। SN त्रिपाठी का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दामोदर दत्त ठाकुर एक स्कूल प्रिंसिपल थे। इलाहाबाद में BSc प्राप्त करने के बाद त्रिपाठी ने लखनऊ में पंडित VN भातखंडे की मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक से शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण प्राप्त किया। संगीतकार के रूप में 1935 में त्रिपाठी बॉम्बे पहुंचे और बॉम्बे टॉकीज में संगीत निर्देशक सरस्वती देवी की एक वायलिन वादक के रूप में काम किया। संगीतकार के रूप में उनकी पहली फिल्म चंदन जो 1942 में रिलीज हुई थी, उन्होंने जन्म जन्म के फेरे 1957 जैसी फिल्मों के लिए रचना जारी रखी, जहां जरा सामने तो आना चलिए गीत जरा सामने तो आओ चलिए छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की ये आवाज है। शीर्ष बिनाका गीतमाला बन गया था। क्लासिकिस्ट के रूप में प्रशिक्षित रानी रूपमति संगीत सम्राट तानसेन जो 1962 में रिलीज हुई और अन्य फिल्मों में उनके गीतों की लोकप्रियता कशरे त्रिपाठी को राजस्थानी लोग को शहनाई और मेदुलिन जैसे वाद्य यंत्रों के रूप में साथ मिलाने के लिए भी दिया जाता है, जिन्होंने कभी सनसनी केस नहीं किया था। स्पंदित नृत्य जैसी गुणवत्ता फिल्म लाल किला 1960 में, उनकी रचनाएं जैसे ना केसी के आंखों पर नूर है और लग्न का दिल दिल मेरा लोकप्रिय है। न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी की आंख का नूर हूँ,
न किसी के दिल का करार हूँ। राजू भारतान के अनुसार उस्ताद आमिर खान ने फिल्म संगीत रचनाकारों की व्यक्ति की, जिसमें नौशाद, एस एन त्रिपाठी, वसंत देसाई और कुछ हद तक श्री रामचंद्र को उल्लेखनीय संगीतकार के रूप में लिया गया। उन्होंने कई पौराणिक और काल्पनिक फिल्मों के लिए संगीत दिया और उन्हें एक पौराणिक संगीतकार के रूप में टैग किया गया। अभिनय में रुचि रखने वाले त्रिपाठी की पहली भूमिका फिल्म जीवन भैया 1936 में थी। उन्होंने उत्तरा अभिमन्यु 1946 में जो रिलीज हुई थी में अभिनय किया और फिल्म होमी वाडिया निर्देशित राम भक्त हनुमान 1948 में हनुमान की भूमिका निभाई, जहां उन्होंने संगीत भी बनाया। एक अभिनेता के रूप में उनकी पहली प्रमुख भूमिका थी। उन्हें कई फिल्मों में हनुमान के किरदार निभाते देखा जाता है, जिसमें होमी वाडिया की फिल्म हनुमान पाताल विजय 1951 में शामिल। अभिनय और संगीत की रचना के अलावा त्रिपाठी 1957 में फिल्मों का निर्देशन शुरू किया। वह पहली निर्देशक रानी रूपमती थी, जिसके लिए उन्हें संगीत भी तैयार किया था। 1959 में त्रिपाठी ने कई कवि कालिदास और पक्षीराज के साथ साथ हनुमान युद्ध का निर्देशन किया। उन्होंने विदेशिया जो 1963 में रिलीज हुई थी जैसी भोजपुरी फिल्मों का निर्देशन किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उन्होंने 1976 तक फिल्मों का निर्देशन जारी रखा, जब उन्होंने निर्देशन के रूप में अपनी आखिरी फिल्म नाग चंपा का निर्देशन किया। एस एन त्रिपाठी का निधन 28 मार्च 1988 को मुंबई महाराष्ट्र में 75 वर्ष की आयु में निधन। अगर आपको ये काम पसंद आता है और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके सामने ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।